सबको सेकंड ईद बहुत मुबारक। आज मैं ये पटियाला सूट पहनने वाला हूँ। ग्लो देख रहे हो बिना हाइलाइटर के। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक बीमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको। यस यस प्रियानी, थैंक यू सो मच चाची। डैडी सुन रहे थे, डैडी सुन रहे थे। हम तो ईद की बात कर रहे हैं, ऐसे नॉर्मल की ईद पे क्या क्या किया। अभी नु कितनी ईद होगी तुम्हारी? 6000। बहुत अजीब सा हो रहा था, बहुत गंदा सा एहसास हो रहा था, बहुत रोना था, मैं रो भी रहा था रात के 12:30 बजे के टाइम। हाय जानू, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अपना फैमिली ब्लॉग्स। मैं हूँ आप सबकी प्यारी किरण एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे तो आप लोग हुई। सो जानू, आप सबको सेकंड ईद बहुत मुबारक। आई होप आप सबकी ईद ना बहुत अच्छी गुजर रही होगी। एंड हमारे घर पे ना अभी सिर्फ मैं, सादिक भाभी, इनायत है और अम्मी डैडी जी गए हुए हैं चाचे के घर पे और साजिद भैया गए हुए हैं लद्दाख बाहर घूमने के लिए। और मैं गेट रेडी विथ मी शूट करने के जा रहा हूँ। गेट रेडी विथ मी ये समझ लो वो पूरा गेट रेडी विथ मी नहीं होने वाला, वो थोड़ा बहुत होने वाला है। जैसे जैसे तैयार उतरूंगा मैं इसी व्लॉग में दिखाऊंगा। सेकंड चैनल पे कोई गेट रेडी विद मी नहीं आ पाएगा गाइस, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है शूट करने का। एंड अभी हमारे घर पे बहुत सारे गेस्ट वगैरह आने वाले हैं। मेरी फ्रेंड पता है सुबह से आ रही हैं, जा रही हैं, व्लॉग शूट ही नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। जैसे मैं सो के उठा तब घर पे आए हुए अभी थे, बाजी वगैरह भी आई तो वीडियो शूट नहीं किया, थोड़ा मूड भी ठीक नहीं था मेरा। तो अब मैं जा रहा हूं जल्दी से रेडी होने के लिए गाइस, और बहुत ज्यादा लेट हो गया, मतलब 5:35 में मैं आज रेडी होने जा रहा हूं। ऐसे गेस्ट आए थे ऐसे ही तैयार हो गया, मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं करा, बट अब मैं जा रहा हूं गेट रेडी विद मी शूट करने के लिए। जल्दी से रेडी हो जाते हैं फिर सब घर आ जाएंगे। एंड गाइस, आज मैं ये पटियाला सूट पहनने वाला हूँ अपना, जो मैंने वीडियो में दिखाया था, बहुत अच्छा लगा था। मैं कंफ्यूज था क्या पहनना चाहिए ग्रीनर इसमें, तो मैंने यही पहना है तो यही पहनने वाले हैं। चलो जल्दी से रेडी हो जाते हैं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये देखो गाइस अपने बाल झटक रही है कुछ इस तरह से। आए हाय, जल्दी हम तो अब सब हम इस टाइम रेडी हो रहे क्योंकि सुबह टाइम मिला ही नहीं रेडी होने का, क्योंकि मिलते अगर उनके सामने रेडी होते तो क्या हाल होता। चलो अब थोड़ा तसल्ली से मैं हो तो जाऊंगा। अल्लाह, इतना सारा फाउंडेशन नहीं लगाना था, एक रगो ये फुल कपड़े है ना, हल्का सा भी लगाना ना तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा लगता है, मुझे कम लगाना था, बट खैर कोई बात नहीं, अब तो लग गया ना। गाइस देखो, इन्होंने मेरे जैसे लपेटा है, केरी लपेटना था, तपेटना था। ओफो तुम्हारा पीछे दिखा दे। नेक को कभी स्किप नहीं करना चाहिए, नेक पे जरूर लगाना चाहिए गाइस। पूछ 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 कैमरा पे लग रहा था गाइस बहुत ज्यादा वाइट पैट। नेक खुद कह रही कि आटा बिल्कुल सही है, सफेद नहीं लग रहा है। मैं लगा रहा कॉम्पैक्ट फेसेस कनाडा का, ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मेरा फेवरेट फॉरएवर है ये, फेवरेट फेवरेट है, फेवरेट ये मेरा फेवरेट है, ये बोलो ये मेरा फेवरेट है। मेरा बेटा इसी हंसी पे तो हम लोग फिदा हैं तुम्हारी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जहाँ जाओ मेरे बेटे की वहाँ तारीफ होती है। जिसके घर जाओ कहते वीडियो में तब बोलते हैं कि नजर हर बार जानी पड़ती है, इसलिए यूं बीमार नहीं पड़ती, सिर्फ इसको नजर बहुत लगती है। तुम जैसे पहन लोगी ना वैसे अच्छी लगोगी। गाइस एक बात भी तो है कॉमन, वो मैं आपको पूरे आगे व्लॉग में बताऊंगी, जरा रेडी हो जाओ। एक सीन है हमारे साथ, जो मेरा कुन्नी सोचा था सेज ये में थोड़े स्मोकी है टेक्सचर दे रहा, बट वो डार्क था। नाइस, हल्के हल्के करते करते हैवी हो ही जाता है भाई मेरा तो। अल्लाह तेरा शुक्र। गाइस मैं यहाँ पे ना पर्पल आई शेडो लगा रहा हूँ शिमर पर, वो मैं पूरी आंखों पे नहीं लगा रहा हूँ अपने, सिर्फ जहाँ पे मैंने ब्लैक कलर लगाया था ना, ब्लैक काजल, वहीं पर लगा रहा हूँ इसको। एंड बहुत ज्यादा प्यार लग रहा है ना, लग रहा है ना। अगर मुझे लगेगा कि आईलैशेस लगाने के बाद ये पर्पल दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा और ऊपर तक कर लूंगा। गाइस मेरा आई मेकअप, मेरा पूरा मेकअप डन हो चुका है, बट लिपस्टिक बाकी है। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरा ये जो आई शेडो मैंने लगाया अपने आईज पे, क्या इतना ही रहने देना चाहिए, क्या इसके ऊपर थोड़ा सा और करना चाहिए, ऐसे दिख भी रहा है नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इतना ही अच्छा लग रहा है। खैर आप बताओ कैसा लग रहा है। मैंने कोई हाईलाइटर नहीं लगाया उस नोज पर, लगाया ब्लश। मुझे इन्हों बोल रही कि आटा बहुत ज़्यादा ज़्यादा लग रहा है, ये तुम कम कर लो, तो इससे मैंने थोड़ा सा ब्लश कम कर लिया। कैमरा पे पता है कुछ भी चीज़ कम दिख, मतलब लगाओ तो दिखती नहीं है, इस वजह से कैमरा पे हर चीज़ बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है। खैर मैं लगाने वाला हूँ लिपस्टिक, एंड ये लिपस्टिक लगाने वाला हूँ मैं, कौन सी है, इनसाइड की लिपस्टिक है, पिंक शेड है, पिंक शेड पे ही जाएंगे क्योंकि पिंक भी आ रहा है मेरी ड्रेस में, कुर्ती मेरी पिंक है। एंड जल्दी से हम इसको लगा लेते हैं। तो
बहुत कर दिया। ओले भैया ठीक है सॉरी अब जल्दी से तैयार हो जाता हूँ मैं। ठीक लगा ना? ठीक है। आज का ये ना हेयर स्टाइल बहुत सिंपल सा करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, नॉर्मल सा। मैं सोच रहा हूँ कि छोटी बांध लूँ, बट मैं छोटी स्किप कर लूँगा, खुले करूँगा। गाइस मेरा मेकअप हो चुका है। मेकअप करते करते मतलब कहाँ करते करते 15-20 मिनट में मेकअप किया मैंने, पर हाँ अंधेरा हो गया। अब जब तक मैं हेयर स्टाइल बांधूँगा, पूरे कपड़े पहनूंगा, ज्वेलरी पहनूंगा, मे बी मुझे लगता है कि रात हो जाएगी और फोटो नेचुरल में नहीं आ पाएंगे, इसलिए लाइट से खींचने पड़ेंगे। छत पे भी मैं लाइट से ही खींचूंगा, ग्लो देख रहे हो बिना हाइलाइटर के। तो लाइट का थोड़ा इशू है, इसको रहने देना। खैर चलो, बाल धोए थे मैंने आज, फिर से गीले हो रहे अभी मेरे बाल। तो चलो मैं सोचा कि आधे से एकदम हाई ऊंची पोनीटेल बांध ली जाए, पर मेरे बालों में ना ऊंची पोनीटेल बनती नहीं, क्योंकि लॉन्ग हेयर है ना तो नहीं बनती। और जो कहते हैं ना हैवी शॉपी ने अपने बाल कटा ले, तो यस मैं हैवी शॉपी ने अपनी लेजर कटिंग करा ली, उसके बाल हिप से अब यहाँ तक, बैक तक यहाँ तक हो चुके हैं। तो पता नहीं कैसे कटवा ले, कह कश ने भी अपने बाल कटा लिए, पता नहीं कैसे कैसे करा लेते हैं भाई ये लोग, मुझे समझ नहीं आता। मेरे अंदर तो जज्बा नहीं है। न्यू घर में जाकर मैं अपना पूरा लुक चेंज करूंगा, वो कैसे करूंगा वो आप तो मेरे न्यू घर में जाने के बाद व्लॉग में देखना। और ये बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली थी कि हम न्यू घर में कब शिफ्ट होने वाले कब नहीं, तो यार जल्दी से मैं जा रहा हूँ रेडी होने के लिए। सो गाइस हाँ मैं पूरा रेडी हो चुका, आप देख सकते हो आज पूरे बाल पीछे करे हैं एंड बो भी लगाया है। हाथ में ऊपर जाके दिखाऊंगा, थोड़ा अंधेरा वगैरह भी हो गया, अभी फुप्पो वगैरह भी आई हुए हैं घर पे गेस्ट आए, तो अभी मैं ऊपर जाके पूरा लुक दिखाऊंगा। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है देखने में। पूरी शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, फोटो खींचने जा रहे हैं, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। तो साथ में मैंने लाइट ले ली है, अगर नहीं आए तो इसे खींच के देखेंगे, इससे नहीं आए तो फिर नीचे खींचेंगे यार सेकंड का। एक दो तो फोटो होने ही चाहिए ना, तो चली गई है फुप्पो घर पे, मुझे ईदी देख, मैंने भी ईदी रखा नहीं, अभी नीचे जाके देखूंगा पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। हाँ तो अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया, ऐसे आएगी देखते हैं। बड़ी मुश्किल से ना मैंने यहाँ पे रिंग लाइट सेट की है, जब से हम ऐसे अंधेरे में वीडियोस फोटोज ले रहे थे, बट अब देखते कि एक दो फोटो बस पोस्ट करने के लिए मेरी अच्छी आ जाए, थोड़ा कम्युनिटी में एंड इंस्टा पे थोड़ा सही लगेगा ना। सेकंड एंड थर्ड का बट पता नहीं आई नहीं आएगी, अभी ट्राई करके देखेंगे, जो आई है मैं उसको कर दूंगी, बट अभी का नहीं पता। अभी बस खींच के देखते हैं। निशा आदिल भैया भाभी भी आए हुए, खाला वगैरह घर से आएंगे, अभी अम्मी जी भी नहीं आई है, मुझे भी गई हुई है, चाचा के घर अभी तक आई नहीं है, तो जब तक मैं ले लूँ, जब तक कोई आ नहीं रहा, भी फुप्पो वगैरह तो होके गई थी। एंड यहाँ तो भाई सन्नाटा रहता है, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चलता, ईद है भी यानी इतना बेकार मोहल्ला है ना, यहाँ तो कुछ समझ नहीं आता। खैर अब जहाँ हम जाएंगे वहाँ तो बेस्ट है, हमारा अपना तो बेस्ट ही होता है, जल्दी से हमारा घर रेडी हो जाए देन, पर मैं जल्दी से फ़ोटो खींच लूँ। भाई मैं तो अपनी असलियत पे आ जाता हूँ, दो मिनट ऐसे बाल खुले करूँगा, फिर क्लैचर लगा लेता हूँ, पीछे क्लैचर लगा लिया मैंने और आगे अपनी असलियत पे फोटो पता है बिल्कुल अच्छे नहीं आए, बट शादी कह रहा है मुझे दे दियो, मैं एडिटिंग करके देखता हूँ, अगर सही हो जाएंगे तो ठीक है वरना तू देख लियो। और अभी देखो जी क्या हो रहा है, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, बस मैंने बाल बांध लिए, पीछे को क्लैचर लगा लिया पूरा और ऐसे दुपट्टा सच पे ओढ़ लिया कि ये सही है, ये परमानेंटली काम भी जल्दी जल्दी होगा क्योंकि काम करना होगा ना इस वजह से। और कैसा लग रहा है मेकअप बताना। अम्मी आ चुकी हैं और अम्मी चाची ने भेजा है कुछ, क्या भेजा है, अम्मी भी लेके गई थी एंड लगता है इसके अंदर दही बल्ले पक्का पक्का होने वाले हैं, गरम गरम हो रहा है तो या फिर बिरयानी है मेरी। यस यस बिरयानी, थैंक यू सो मच चाची, एंड इसके अंदर खीर होगी पक्का पक्का। तो चलो बिरयानी तो मैं पक्का पक्का खाना है, सब घर पर भी गेस्ट आ चुके हैं, लाइक नानी वगैरह के घर से भी आ चुके हैं। इन्नू और मैं खेले हैं गाइस यहाँ पे गेम, देखो क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा फ्री टाइम है इसलिए हम दोनों गेम खेल रहे हैं। ये को हमारा गेम चल भी रहा है, पता नहीं कैसे होएगा, कैसे ऐसे ही होगा, ये ऐसे होगा, बटन दबाओ नीचे करो, नीचे कह रहा है वो नीचे, देखो नीचे दे, मैं भी दूसरे वाले फोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा क्वालिटी ऐसी आ रही है, पिंक पिंक।
इतने पैसे नहीं है मेरे पास। डैडी सुन रहे थे, डैडी सुन रहे फिर से। हम तो ईद की बात कर रहे हैं, ऐसे नॉर्मल की ईद पे क्या क्या किया था हमने, है ना? हाँ, यही बात कर रहे हैं। हाँ, हम तो ये बात कर रहे हैं ईद की। हम घूमने का प्लान बना रहे हैं चाचू में और इन्नू, इसे हम इलाज से सबसे झूठ बोल कर रहे हैं कि हम तो कहीं भी नहीं जाएंगे, कभी जाएंगे झूठ बोल, पर हम जाएंगे। चलो चाचू से पूछने चलते हैं, चलो चलो चलो। मैं खा रहा हूँ ये हलीम बिरयानी, हलीम हमारे घर बना बिरयानी, चाचू के घर से आई है। सुबह से कुछ नहीं खाया था, इतनी भूख लग रही थी ना, तो अब खा रहा हूँ। बता, ऐसे होता है ना, खा लो पेट पूछ जाता थोड़ा बहुत भी। हाँ चलो गाइस, मैं खा के मिलता हूँ, तैयार हो कुछ जाने के लिए। नानी दी है, नानी ने मुझे ईदी, सबको दी है ईदी नानी ने। अब इन्हू कितनी ईदी होगी तुम्हारी? 6000। भाई इनायत की सबसे ज्यादा ईदी हुई है हमारे घर पे, और हमारी तो हुई नहीं। हाँ मुझे तो सिर्फ 50। तो शादी तो चढ़ा दे चाचू, तुम्हें तो 1 रुपया भी दिया, लड़कों को कौन देता है? हाँ भाई मुझे मिले हैं, मुझे भी मिले, मुझे तो हमने इस बार 50,000 इंटू 12, मुझे तो हमने इस बार 12,000 दिए हैं, और भी लोगों की जोड़ जोड़ के वो ज़्यादा हो रही है। अम्मी ने सबसे ज़्यादा पैसे दिए मुझे इस बार 12,000 रुपये, डैडी जी ने 500 रुपये दिए हैं, भैया ने भी 500 रुपये दिए, भाभी ने 500 रुपये दिए हैं, और बहुत अच्छा लगा। सभी जा रहे हैं, भी आए हैं हम बड़े पापा के घर पे, ढेर इन्नू मिजवा खेल लिया दोनों, अम्मी भाभी मैं, हम आए। कल से तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला था किसी के भी घर जाने का, बट आज टाइम निकाला, पर अभी हम किसी के घर जा नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है। टाइम अभी यहाँ पे ना 9:29 हो रहे, तो अभी टाइम नहीं कि हम जा पाएंगे इस वजह से। अभी तो ना खेत में भी खाला मिल रहा है, आराम से आराम से। तो अभी जाएंगे देखो कहाँ कहाँ, और तो पता नहीं जाएंगे, है ना? अरे बाप रे, मिस बाग तिरंगा बनी बैठी है। पे आ चुके हैं, आगे मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं करा था, इनायत भी रोने लगी थी, तो हम लोग घर पे आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है, कुछ हिम्मत नहीं हो रही व्लॉग वगैरह शूट करने के, दिल कर रहा है बस की बस सोचा मैंने। हाँ फेस वगैरह अपने रिमूव कर दिया, बहुत ज़्यादा फेस पे ना ईचिंग वगैरह हो रही, देखो दाने दाने से आपको मैं भी दिख रही होगा, शो हो रहे होंगे, इसलिए मैं सोचा कि आप रेस्ट करने चले जाऊँ। मैं भी इस व्लॉग में मैंने आप लोगों को ज़्यादा कुछ दिखाया ही नहीं है, हाँ ऑलमोस्ट दिखाया ही नहीं, इस बार तो मैंने कुछ ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं है, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर। एंड अभी मैं जा रहा हूँ वीडियो को एडिट करने के लिए, मेरा प्लान था कि अपना जो ईद का व्लॉग है वो ईद के सेकंड डे इस दिन आना था, और ये वाला थर्ड आना था, नहीं ये हाँ ये थर्ड आना था, थर्ड वाला फोर्थ आना था, फोर्थ डे मतलब ऐसे, बट पॉसिबल नहीं हो पाया, कल बहुत ज़्यादा थक चुका था, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, रात में मैं बहुत ज़्यादा डर भी रहा था, बीच में जब मेरी आँख खुली थी 12:30 बजे, तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, बहुत ज़्यादा ना घबराहट फील हुई थी, बहुत क्या बोलूँ, बस बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं मम्मी को आवाज़ दे रहा था, शादी कह रहा हूँ सो रही है, शादी उस टाइम पर रहा, बहुत अजीब सा हो रहा था, बहुत गंदा सा एहसास हो रहा था, बहुत रोना रहा था, मैं रो भी रहा था रात के 12:30 बजे के टाइम, बहुत अजीब लग रहा था। खैर पर अब कोई बात नहीं, सो यस जाना मैं सबको यहाँ एंड करने से, आई होप आप सबको ब्लॉग पसंद आए, पसंद लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, मैं अपना आइडिया शेयर करूँ, मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना। ओके जी, एंड बताओ अच्छा लुक कैसा लग रहा था जल्दी से बता दें कमेंट में। हाँ कल का जो लुक था ना, वो इस लुक के मुकाबले तो इस लुक के मुकाबले कुछ नहीं था, नहीं 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 ये लुक उस लुक के मुकाबले कुछ नहीं था। हाँ सेंटेंस कभी ना गलत बैठ ही जाते हैं, ऑलमोस्ट सीख रहे तो हमेशा गलत बैठते हैं। कहना भी चाह रहा हूँ मैं सोने के लिए, काम करने के लिए। तो चलो ब्लॉग का एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल मिलेंगे तीसरे दिन पे। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल, दुआ में याद रखने को, बाय।